नमस्कार दोस्तों, सभी मित्र बंधुओं का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षाएं चल रही है उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा कि बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती एग्जाम से पहले अभ्यर्थी तक पहुँचाया जा रहा था पेपर, RPSC के लोग भी गैंग में शामिल बताया जा रहा है। इसकी पूरी सूचना आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, जो कि जी राजस्थान जो न्यूज है उसने भी इसका खुलासा किया। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको समय पर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। नागौर द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बेरोजगार युवाओं को पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर रुपये ठग रहे थे एजेंसी का एक गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। कोतवाली पुलिस ने गिरोह को किया गिरफ्तार, जो कि कोचिंग संचालक है जिसका नाम प्रेम सुख फौजी बताया जा रहा है उर्फ अशोक, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और तलाश की जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, उसी के बाद आपको पता चलेगा। हम ये नहीं करें कि पेपर आउट होगा या नहीं, इसमें आपको जो जी राजस्थान न्यूज है उसकी पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो के साथ बने रहें, चलो देखते हैं आगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस गिरोह में RPSC का एक UDC भी शामिल बताया जा रहा है और इसी मामले को पुलिस की सूचना मिली कि नागौर के मैराथन नामक कोचिंग संचालक प्रेम सुख फौजी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर उपलब्ध कराने के नाम पे युवाओं से बड़ी रकम ले रहा था। और मामले में पुलिस ने नागौर शहर में इसे प्रेम सुख के घर पे इसे पकड़ लिया गया, इसे दबोच लिया गया। तो इसी दौरान युवाओं के दस्तावेज और परीक्षाओं के रोल नंबर मिले, तो प्रेम सुख से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि RPSC के एक UDC प्रकाश से उसके संपर्क थे। उसने पेपर उपलब्ध कराने की बात कही थी और इसी के बाद प्रेम सुख ने पेपर दिलाने के नाम से अभ्यर्थियों पर जाल बिछाया और लूट रहा था पेपर के नाम पे पैसे। विद्यार्थियों के पास समय कम होने के कारण विद्यार्थी दे रहे हैं पैसे, इसीलिए ये लूट रहा था पैसे। अगली खबर निकल कर आ रही है कि परीक्षाओं में नकल कराते समय आरोपी 4 दिन के लिए रिमांड पर। जो उदयपुर में हिरणमगरी थाना क्षेत्र में रविवार को शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ डिवाइस के उपयोग में करते हुए अभिनव स्कूल में पकड़े गए आरोपी जालौर का रहने वाला है, जो कि ढाणी निवासी सुरेश कुमार विश्नोही को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। तो कोर्ट के आदेश पर उसे 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। दीप्ति भगवत सिंह ने बताया कि पूछताछ में सुरेश ने कुछ लोगों के नाम बताए हैं और इसी गिरोह से जुड़ा है और इसी के लिए एक टीम को जालौर से रवाना कर दिया गया है। और मामले में अब 2 से 3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनके बारे में पूछताछ की जा रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के दौरान आरोपी ब्लूटूथ और मोबाइल जैसी डिवाइस लेकर अंदर प्रवेश किया था और जो सकर्ता टीम है उसने उसकी जाँच की और उसे पता चला कि इसके पास कोई डिवाइस है, तो उन्होंने इसे दबोच लिया गया और आरोपी ने डिवाइस फेंक दिया और ईयरफोन को मुँह में चबा गया। तो अगली न्यूज और देख लीजिए, जो कि जी राजस्थान न्यूज TV की है, पूरी देखिए। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में आज विषयों की परीक्षा हुई। आज सुबह पहली पारी सुबह 9 से 11:30 बजे तक सामान्य विज्ञान की परीक्षा आयोजित हुई। राजधानी जयपुर में 199 परीक्षा केंद्रों पर 74,102 परीक्षार्थी पंजीकृत थे और इनमें से 55,259 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा देकर लौटे परीक्षार्थियों ने पेपर को मिला जुला बताया। वहीं पर परीक्षा देकर लौटे कुछ परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्रों में आज पेपर खुले सील के मिले थे और इसी आपत्ति दर्ज करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई करता हुआ प्रशासन नजर नहीं आया। नकल करवाने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने नकल गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। मैराथन कोचिंग संचालक प्रेम सुख फौजी को गिरफ्तार किया गया। नोटरी के जरिए आगे दर्ज करके झांसे में वो परीक्षार्थियों को लेता था। नकल करवाने के नाम पर 2 से 4 लाख रुपए वो परीक्षार्थियों से वसूलता था।
वही परीक्षार्थियों से प्रदेश के 10 जिलों में ये नकल गिरोह का जाल जो है वो फैला हुआ है। परीक्षार्थी इसके झांसे में आ जाते थे, पैसे लुटा देते थे और ये नकल उन्हें करवाता था, लेकिन फिलहाल इसका भंडाफोड़ कर दिया गया है। अब ये हिरासत में आ गए हैं। नागौर से इस वक्त की अहम जानकारी, जितनी भी सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें नकल करवाई जाती थी। दरअसल मैराथन कोचिंग संचालक प्रेम सुख फौजी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे बातचीत की जाएगी, जानकारी जुटाई जाएगी, ताकि और कितने गिरोह जो है पूरे प्रदेश में वो अभी सक्रिय है। नरपत हमारे साथ जुड़ गए हैं नागौर से, सिटीजन जर्नलिस्ट, उनसे बातचीत करते हैं। नरपत, बांदाफोर तो हो गया है और एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है फिलहाल, और क्या कुछ जानकारी इससे? जी बताना चाहूंगा कि नागौर पुलिस को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, और नागौर की जो कोतवाली पुलिस है उसमें एक जो आरोपी है जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। बोलिए, जो संचालक बताया जा रहा है, जो कोचिंग का संस्थान संचालक, और इसके पहले भी एक प्रतियोगी परीक्षा में नकल को मामले को लेकर इसको दो बार गिरफ्तार पहले भी किया जा चुका है, और ये एक क्या जाए तो बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, क्योंकि जो आरपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं होती है उनमें ये नकल करवाते हैं, और जो परीक्षार्थी है उनसे 2 से 3 लाख रुपए नकल करवाने की एवज में परीक्षार्थी है उनसे 2 से 3 लाख रुपए नकल करवाने की एवज में वसूलते हैं, और इस बंदे ने नया तरीका अपना रखा है। नोटरी की जरिए एग्रीमेंट करवाता है और लोगों से पैसे लेता है और फिर नकल करवाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को